और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में विगत दिनों हुई ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों पथरी पुलिस को अज्ञात व्यक्ति का शव फेरूपुर गन्ने के खेत में मिला था। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर आसपास के लोगों से मृतक की जानकारी जुटाई और पंचनामे की कार्रवाई कर शव को जिला हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवा दिया। वहीं इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से जांच की और प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर आरोपी ऋतिक को काटरपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। दिसंबर 4 दिसंबर को पथरी क्षेत्र में, थाना पथरी में, एक गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था और उसका जब एग्जामिन करने पर पता लगा उसके पीट के उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में भी लिया। पहला काम इसकी शिनाख्त का था। काफ़ी प्रयास के बाद इसकी शिनाख्त महेंद्र सिंह जस्सोवाला सहसपुर के नाम से हुई थी, जो यहाँ पर काम कर रहा था। क्योंकि मामला अज्ञात में था, तत्काल उसके भाई से इसमें पंजीकृत अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी और 24 घंटे के अंदर पुलिस और एसओजी और हमारे एसपी क्राइम और एसपी देहात इनके कुशल नेतृत्व में भी, और जल्दी ही जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था ऋतिक, उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस घटना को करना बताया और इसके पीछे उसका जो कारण था वो आपस में जो इनका झगड़ा इस लेवल पे बढ़ गया था, क्योंकि दोनों ही नशे के आदि थे और नशे की हालत में इनका आपस में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा उस लेवल तक पहुंच गया कि उसके द्वारा वहीं पर ईख के खेत में गन्ना तोड़ के इसकी हत्या की गई। पुलिस के द्वारा जो इसके कपड़े हैं वो भी अपने कब्जे में लिया गए हैं और कपड़ों में जो ब्लड स्टेन्स हैं वो हमें मिले हैं, उन्हें फॉरेंसिक के लिए हम भेज रहे हैं और इसका जो भी आगे की